Hello friend, good afternoon, welcome to YouTube channel Construction Management. Friend, आज का वीडियो का टॉपिक है Honeycomb in structure. Honeycomb in structure में कैसे Honeycomb आ जाता है, किस वजह से आ जाता है, इसमें हम कुछ डिटेल नहीं देंगे, सिर्फ फोटो दिखा देंगे कि देखिए सामने स्ट्रक्चर में Honeycomb आया हुआ है, क्यों आया हुआ है, किस वजह से आया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देंगे फोटो देखने के बाद. प्लीज़ वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए कि कंस्ट्रक्शन लाइन में Honeycomb क्या है, किस तरह होता है, कौन सा कमी के वजह से Honeycomb आ जाता है. मिडिल लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में जो भी काम होता है उसके बारे में सारे डिटेल देते रहते हैं वीडियो में. आप कंस्ट्रक्शन लाइन से शौक रखते हैं काम करने के लिए तो प्लीज़ वीडियो को देखिए. वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके नॉलेज के लायक है तो उसको यूज कीजिए. देखिए कि कंस्ट्रक्शन लाइन में कौन सा काम किस तरह होता है, अच्छा करने से क्या होता है, ख़राब करने से क्या होता है. रिजल्ट में इस वीडियो में दे देता हूँ कि ख़राब काम करने से इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे Honeycomb पाया जाता है कंक्रीट के अंदर. अभी तो ये साफ़ है, बिल्कुल देखिए ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. तो इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे कि Honeycomb क्या है, क्यों आ जाता है, कौन सा मटेरियल नहीं यूज करने से Honeycomb आ जाता है, कैसे कंक्रीट डालने से Honeycomb आ जाता है. ये तो सामने आपके पूरा अच्छा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए वीडियो में हम फोटो डाल देते हैं, फोटो देख लीजिए, उसके बाद से कुछ एडवाइस देंगे देखने के बाद से कि क्या किस तरह किया जाता है तो कंक्रीट बराबर होगा. तो फ्रेंड, आप लोग देख लिए कि Honeycomb वाल में कैसे आ गया है. इसका वजह ये होता है कि इम्प्रॉपर वाइब्रेटर जो है, इम्प्रॉपर वाइब्रेटर नहीं मारते हैं. कंक्रीट बहुत सख्त डालते हैं, टाइट डालते हैं, जिसके वजह से अंदर स्टील के अंदर नहीं पहुंच पाता है, तो उसमें जो है कि Honeycomb आने का चांस रहता है. Honeycomb बहुत बड़ा मेजर है कंक्रीट के अंदर. अगर Honeycomb आ गया तो कंसल्टेंट क्लाइंट जो भी है, जो बिल्डिंग का मालिक है, कोई भी उसको, उस वाल को या कॉलम को अप्रूव नहीं करता है, पास नहीं करता है, बोलता है इसको डेमोलिशन कीजिए, चिपिंग करके निकालिए, और दूसरा कोई केमिकल आ करके उसको फिल किया जाता है, उस Honeycomb को फिल किया जाता है. तो इम्प्रॉपर शटर नहीं लगाने से वाइब्रेटर मारेंगे तो खुल जाता है. इससे पहले भी वीडियो बने हुए हैं, उस पर आप देख सकते हैं, रिटेनिंग वाल के बारे में बताए हुए हैं कि एग्जाम्पल भी दिए, इतना टाइट करने के बाद भी वो शटर खुल जाता है, तो जिसकी वजह से कंक्रीट बाहर आ जाता है. और टाइट कंक्रीट डालने की वजह से उसका सिलम सही से टेस्ट नहीं किया गया, उसका मिक्सिंग सही से नहीं किया गया, कंक्रीट डालने के बाद वाइब्रेटर नहीं किया गया, तो ये वाल में देखे हैं आप किस तरह से Honeycomb आया हुआ है, जो फेलियर है, फेल है. कंसल्टेंट क्लाइंट जो भी है उसको फेल किया है. उसको रिपेयर करने में बहुत कॉस्टली मटेरियल आता है, कंक्रीट रिपेयर, उसको रिपेयर किया जाता है. जैसे सामने देख रहे हैं ये रिपेयरिंग है, ये बहुत मजबूत है, कोई झड़ने वाला निकलने वाला इसमें तो कुछ भी निकलने वाला नहीं है, और एकदम बिल्कुल प्लेन है, साफ. ये वाल देख ही रहे हैं, कोर वाल है इसका. तो फ्रेंड, चैनल पर हम आते रहते हैं छोटा छोटा टॉपिक लेकर के, कंस्ट्रक्शन लाइन से, बिल्डिंग लाइन से, जो भी बात होता है, जो भी काम होता है, रियल टाइप में दिखाते रहते हैं. ये नहीं कोई फेक टेक है, कोई गलत है, ऐसा कुछ नहीं है. सामने देखिए इसका फोल्डिंग लग रहा है, ये देखिए कॉलम में सामने ये लगा हुआ कॉलम, देखिए इसका 5 मीटर इसका भी हाइट है ग्राउंड फ्लोर का. ये लिफ्ट वाल है सामने,
सामने देखिए सब, इसमें भी थोड़ा हनीकॉम्ब पाया हुआ है, लेकिन ये चलेगा अंदर है, बाद में लिफ्ट लगेगा तो इसका रिपेयरिंग हम कोई वर्कर से करवा देंगे। सामने हनीकॉम्ब पाया हुआ है, देखिए लिफ्ट वाल है, 3 लिफ्ट इसमें लगेगा लाइन से, देखिए कितना डीप एरिया है। 8 फ्लोर का बिल्डिंग है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा हनीकॉम्ब पाया हुआ है। स्पेशली हम इस वीडियो में हम हनीकॉम्ब के बारे में ही फ़ोटो दिखाए हुए हैं और आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से हनीकॉम्ब आ गया है। तो इम्प्रॉपर उसको पानी नहीं डालने से, कंक्रीट अच्छा बराबर मिक्स करके नहीं डालने से, कंक्रीट टाइट डालने से, वाइब्रेटर नहीं मारने से हनीकॉम्ब आ जाता है। तो फ्रेंड ऐसा ऐसा बातें लेकर के हम आते रहते हैं। रेडी मिक्स जो है बहुत हैवी मटेरियल है, बहुत कॉस्टली मटेरियल है, उसको किस तरह से यूज करना है, इम्प्रॉपर करेंगे तो वो सारा काम ख़राब हो जाता है, जैसे आप देखे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा जो कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ी हुई है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसा वीडियो बनाते रहते हैं जो कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ी हुई है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो में कोई तरह की गलती होती है या हुई हो तो उसको कमेंट करना मत भूलिए। चैनल पर बने रहने के लिए, वीडियो शुरू से आखिर तक देखने के लिए थैंक्स एंड टेक केयर।